दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे नगर पंचायत इल्फातगंज अंबेडकर नगर का कुछ नज़ारा। और नगर पंचायत इल्फातगंज अंबेडकर नगर के चेयरमैन हैं इस टाइम के निजाम चाचा और हाजी नूरुल हज हज। देखे इल्फातगंज का एक खूबसूरत नज़ारा। आर ए बी पब्लिक स्कूल, देखिए मौलवी जुबैर मेमोरियल स्वास्थ्य मानव कल्याण केंद्र, ये अस्पताल है जहाँ पर लड़कों की डिलीवरी होती है डॉक्टर खुशनुमा चौधरी और डॉक्टर नजीब के द्वारा। और ये देखिए इल्फातगंज की कुछ रोड पर का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ के मौजूदा चेयरमैन हैं निजाम चाचा और ये इल्फातगंज का एक खूबसूरत दृश्य। और देखिए इल्फातगंज का दृश्य है शाम के टाइम का। इल्फातगंज टांडा से पहले विधानसभा क्षेत्र में आता था मगर इस टाइम इल्फातगंज कटेरी विधानसभा में चला गया है। और यहाँ के विधायक हैं श्री लालजी वर्मा जो बहुजन समाज पार्टी से थे। और ये इल्फातगंज की बाज़ार है, बाज़ार का एक खूबसूरत दृश्य। और देखिए किस तरीके से फल फ्रूट वगैरह बिक रहा है। और ये इल्फातगंज का और इल्फातगंज का प्यार इल्फातगंज SBI बैंक है इल्फातगंज का, भारतीय स्टेट बैंक इल्फातगंज। बाजार है इल्फातगंज से सटा हुआ गांव आलमपुर मदारपुर पहाड़पुर व तमाम गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं। और यहां लोगों की बाजार यहीं लगती है और यहाँ से लोग सामान लेने आया करते हैं। इल्फातगंज बहुत ही खूबसूरत शहर नगर पंचायत है। ये टांडा की तरफ रोड जा रहा है और ये इल्फातगंज का मेन शहर मेन इलाका है। और ये इल्फातगंज खजूर ही खजूर, देखें इल्फातगंज में बहुत भारी भीड़ भाड़ है। लगता है आज बाजार का दिन है। और आगे अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं अंबेडकर नगर का एक ऐसा हॉस्पिटल डॉक्टर बिलाल साहब का है जो डिलीवरी के मामले में अंबेडकर नगर में नंबर वन है। इल्फातगंज में, इल्फातगंज ही नहीं अंबेडकर नगर में नंबर वन है। और ये देखिए डॉक्टर बिलाल साहब का अस्पताल, ये शहबाज भाई की दुकान है हमारे। और ये डॉक्टर बिलाल साहब का हॉस्पिटल है, यहीं पर बच्चों की डिलीवरी होती है। और देखें इल्फातगंज का एक खूबसूरत नज़ारा। ये इल्फातगंज का नज़ारा जो है ये रोड पर का है, हम रोड बाई रोड जा रहे हैं। और क्योंकि अंदर बहुत बड़ा शहर है तो अंदर बहुत गलियां हैं, रोड पर का खूबसूरत नज़ारा। इससे पहले यहाँ के चेयरमैन थे मरहूम आज़ाद चाचा, मौजूदा समय के चेयरमैन हैं निजाम चाचा। और यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं लालजी वर्मा जी जो बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, अब निष्कासित हो चुके हैं। ये इल्फातगंज का एक थोड़ी सी क्लिप बना रहे हैं हम। और ये देखिए टांडा नगर पंचायत इल्फातगंज अंबेडकर नगर, ये फैजाबाद रोड है। और अब हम लोग इस साइड से चल रहे हैं। और ये सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ये आलमपुर गांव है जो अंबेडकर नगर की एक शान वाला गांव है। ये पहलवानों का अड्डा माना जाता है आलमपुर गांव को।
जहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ के लोग पहलवानी में अपना हुनर दिखाते हैं। अब हम आगे आप लोगों को दिखाएंगे इफ़ादगंज की दूसरी साइड का एक खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए दाहिनी साइड पे माशाल्लाह खूबसूरत सी मस्जिद है इफ़ादगंज की, और ये इधर कब्रिस्तान है। इफ़ादगंज गांव का एक खूबसूरत घर भी रोड के किनारे है। दोस्तों इफ़ादगंज नगर पालिका की ओर जो है तकरीबन 13,000 वोटें हैं, और इस बार यहाँ के चेयरमैन रहे निजाम चाचा। इल्फादगंज के रोड पर का सीन है, और यहाँ पर देखिए प्राचीन काल मंदिर भी दिखाई दे रही है छोटी सी। ये देखिए इल्फादगंज का खूबसूरत दृश्य, बहुत पुराना इल्फादगंज है, आज़ादी से पहले का इल्फादगंज। और यहाँ पर भी देखिए प्राचीन काल मंदिर दिखाई दे रही है पुरानी सी, जिसकी डेंटिंग पेंटिंग अभी नए तरीके से हुई है। देखिए किस तरीके से सब्जियाँ बिक रही हैं, और इल्फादगंज, और ये देखिए माशाल्लाह इल्फादगंज की गलियाँ। अब हम लोग चल रहे हैं नदी के तरफ, सलाड़गढ़ की तरफ, और इल्फादगंज जो है नदी के किनारे बसा हुआ पूरा। मोहल्ले का नाम नहीं पता, मगर मोहल्ला होकर सलाड़गढ़ पर जा रहे हैं। अभी हम आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत नदी, अपने घाघरा नदी का दीदार कराएंगे यहाँ से, और लोकेशन बहुत अच्छा है वहाँ से घाघरा नदी का। किस तरीके से लोग चाय की दुकानों पर बैठकर चाय पी रहे हैं, और यही देखिए आजाद चाचा का घर भी था, बहुत खूबसूरत घर माशाल्लाह। और धीरे धीरे हम लोग देखिए सलाड़गढ़ पर निकल रहे हैं, सलाड़गढ़ा इसको बोलते हैं। हाँ तो इसी ग्राउंड को बोलते हैं सलाड़गढ़ा, और यहाँ पर एक टाइम हुआ करता था घातक टांडा की, घातक टीम का बहुत बड़ा दबदबा रहा करता था, जो मानी जानी टीम थी घातक। और मैं यहाँ पर एक बार साइकिल से आया था मैं देखने घातक का अपनी। और ये देखिए एक मदरसा है यहीं पर, जहाँ पर टांडा की बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ने आती है, ये सामने वाला मदरसा है। मुंशी मौलवी का पेपर यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में लोग देने आया करते थे। ये छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए शानदार सिक्स मारा। हम लोग आ गए सलाड़गढ़ के पास नदी का बिल्कुल किनारा, और देखें किस तरीके से लोग बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। ये खजूर का पेड़ बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ का लोकेशन जो है बहुत ही शानदार है। आप लोग देखें इधर घर बन गया, थोड़ा बिगड़ गया है, नहीं तो लोकेशन इसका बहुत ही अच्छा था। और नदी भी देखिए माशाल्लाह, बहुत बरसात का मौसम चल रहा है। और हमारे साथ कामिल भाई, आसिफ भाई, इमरान जमशेद, अब्दुल वाहिद और मैं खुद मोहसिन आए थे।